हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा असेंशियल की बुक में से रहेगा, ग्रेड 6 की बुक में से। तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स स्टार्ट आर चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाउन टॉपिक, नाउन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ना पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, तो उसमें 8 पार्ट्स आते हैं। 8 पार्ट्स मतलब जैसे सेंटेंस में नाउन भी यूज़ होगा, प्रोनाउन भी यूज़ होगा, एडजेक्टिव भी यूज़ होगा, एडवर्ब भी यूज़ होगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी होता है। उसमें से एक पार्ट है नाउन। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि नाउन चैप्टर में पढ़ना क्यों है ना। तो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू स्टडी द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल वर्ड्स आर प्लेस इन क्लास और कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, कौन कौन से हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कुछ 8 पार्ट्स हैं स्पीच के, इन्हें हमें डिस्कस करना पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी रेड अ लिटल अबाउट दीज पार्ट ऑफ स्पीचेज इन लोअर क्लासेस, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, है ना, छोटी क्लासेस में ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउ वी शैल स्टडी देम इन डिटेल, अब हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग राइट इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस चैप्टर में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे, थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि नाउन जेंडर नंबर और नाउन जेंडर तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं, अब जैसे मान लो नाउन नंबर, तो सेंटेंस में जब हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल दें कि ये एक वर्ड है। जैसे मान लो एक बैक, हमने एक वर्ड लिखा, ये जो बैक वर्ड है ये सेंटेंस में कभी भी आ जाए तो वो नाउन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वही वर्ड किसी और सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, वही वर्ड किसी और सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, और वही वर्ड किसी और सेंटेंस में वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से वर्ड जो हैं वो वर्क करते हैं, और उसी वर्क के क्राइटेरिया के बेस पे ही डिसाइड होता है कि जो गिवन वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो कहते हैं, अ वर्ड मे नॉट ऑलवेज बिलोंग टू द सेम क्लास, सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता है। वी शुड नेवर से दैट अ वर्ड इज़ अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। वी मे यूज एज अ नाउन इन वन सेंटेंस, एज एन एडजेक्टिव इन अनदर सेंटेंस। द क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग डिपेंड अपॉन द वर्क इट डज इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में वो क्या काम करता है इस पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड उस में पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है, वेदर इट इज़ नाउन, वेदर इट इज़ एडजेक्टिव और इट इज़ वर्ब और एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन सेंटेंस को देखते हो तो इन सेंटेंस को ध्यान से देखना, इस बैक वर्ड पे कंसंट्रेट करना। माई फादर पैटेड मी ऑन द बैक, मेरे पिताजी ने मेरी पीठ पर थपथपाया। तो पोजीशन है, पोजीशन नाउन होता है, ये नाउन की तरह ट्रीट हुआ। वी लेफ्ट द हाउस फ्रॉम द बैक डोर, ये डोर की क्वालिटी है कि आप बैक डोर से गए। आप चाहते तो फ्रंट डोर से भी जा सकते थे, आप चाहते तो लेटरल साइडवेज डोर से भी जा सकते थे, है ना। तो आपने बैक डोर चूज़ किया, ये डोर की क्वालिटी है, डोर नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बैक वर्ड है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो एग्रीमेंट से पीछे हट गया। तो इसमें क्या है, बैक्ड आउट, ये जो बैक वर्ड है इसका एक्शन है कि वो पीछे हटना एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो ये क्या है, वर्ब है। ऐसे ही जो सर्वेंट केम बैक यस्टरडे, सर्वेंट है वो वापिस आया, सर्वेंट आया, कैसे आया, वापिस आया। तो आने की क्वालिटी है, एक्शन को एम्फेसाइज किया जा रहा है। अगर एक्शन को वर्ब को एम्फेसाइज किया जाएगा, इंटेंसीफाई किया जाएगा, दैट इज एडवर्ब। तो बैक वर्ड था, एक सेंटेंस में वो नाउन की तरह, एक सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की तरह, एक में वर्ब और एक में एडवर्ब की तरह ट्रीट हुआ। तो कहते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से ट्रीट होगा, ये डिपेंड करता है कि वर्क किस तरह से कर रहा है। सेंटेंस में वो जिस भी तरह से वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका हम क्या बोल देंगे कि इस वाले पार्ट में आता है, ये नाउन में आता है, एडजेक्टिव में आता है, एडवर्ब में आता है, ये इसके बेसिस पे कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सेंटेंस समझते टाइम हमें 8 पार्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, उसमें से ही एक पार्ट है हमारा नाउन। तो नाउन के बारे में हम एक बार स्टडी करना स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिक क्वेश्चन आता है माइंड में कि नाउन होता क्या है. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है. नेमिंग वर्ड्स होती हैं. तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनिमल, नाउन इज़ अ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग. और इट मे ऑल्सो भी अ फीलिंग और आइडिया भी हो सकता है. जैसे अगर हम बात करें तो वर्ड्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉय, गर्ल, नेहा, कानपुर, हॉस्पिटल, स्टोन, आर्मी, एंगर, ब्यूटी, सारे क्या है, सारे नाउन है बिकॉज दीज आर नेमिंग वर्ड्स. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होती हैं. और नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है. तो आगे बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि नाउन होता क्या है. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई फीलिंग, नेम हो सकता है. काइंड ऑफ नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन बेसिकली फोर टाइप्स के बारे में होते हैं. वैसे आप ओल्ड इंग्लिश में जाओगे तो ओल्ड इंग्लिश की बुक में आपको मिलेगा नाउन आर बेसिकली फाइव टाइप्स. वहाँ बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. लेकिन आज मटीरियल नाउन को हम कॉमन नाउन में ही कंसीडर करते हैं. तो इसीलिए हमारे पास आज मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ चार टाइप के नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. नोट करने वाली बात है कि जो वर्ड है, वुड, स्टोन, वाटर, ये सारे क्या आते हैं, मटीरियल नाउन में आते थे पहले. लेकिन नाउ दीज आर यूज ट्रीट एज कॉमन नाउन में ही आज की डेट में हम उसे ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की काइंड ऑफ नाउन के बारे में. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो हमने काइंड डिस्कस किए, सबसे पहला काइंड है हमारा प्रॉपर नाउन का. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर कोई नेमिंग वर्ड हमें प्रॉपर बताए, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग के बारे में बताए, दैट नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सचिन है, जयपुर है, दीज आर प्रॉपर नाउन. क्यों, सचिन एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, प्रॉपर पर्सन होगा. जयपुर एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, प्रॉपर प्लेस होगा. हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रखा है. टाइम्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, ये प्रॉपर नाउन्स है. जिन वर्ड से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, दीज आर प्रॉपर नाउन. जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन, हरियाणा प्रॉपर नाउन, दिल्ली प्रॉपर नाउन, पानीपत प्रॉपर नाउन, है ना, तो प्रॉपर नाउन है ये. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कोई रिवर, शिप, स्ट्रीट, माउंटेन्स, मंथ ऑफ ईयर, डेज ऑफ वीक, फेस्टिवल, बुक, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है. प्रॉपर बताए, जैसे कि हमें इंग्लिश की बुक है तो ये प्रॉपर बताया गया कि इंग्लिश की बुक. मैम बोलते हैं ना ओपन योर बुक, ओपन योर इंग्लिश बुक बोलते हैं. आपको पता है साइंस की टीचर आई है, ओपन योर साइंस बुक ही बोलेगी. एसएसटी के टीचर आए हैं, आपको ओपन योर एसएसटी बुक ही बोलेंगे. तो प्रॉपर बताते हैं. तो दीज प्रॉपर वर्ड आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. आपने देखा ना, अगर मैं सिमरन चावला लिखूँ तो कैपिटल एस लिखूंगी और कैपिटल सी लिखूंगी. आप अपना नेम लिखोगे तो कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे. इंडिया लिखोगे तो कैपिटल आई लिखते हो, जयपुर लिखते हो कैपिटल जी लिखते हो, पानीपत लिखते हो कैपिटल भी लिखते हो. द रीजन इज प्रॉपर नाउन. प्रिंसिपल लिखते हो, प्रॉपर नाउन है, पी कैपिटल लिखते हो. टीचर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होता है. तो हम सारा प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे भी, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि प्रॉपर नाउन कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, दैट इज कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन जो होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस और किसी भी थिंग के लिए कॉमन काइंड का एक वर्ड दे दिया जाता है. जैसे अगर हम बात करें टीचर, टीचर एक कॉमन वर्ड है, चाहे वो एसएसटी की टीचर हो, चाहे वो साइंस की टीचर हो, चाहे वो लिटरेचर की टीचर हो, वो किसी भी चीज़ की टीचर, आर्ट्स टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, स्पोर्ट्स टीचर हो, टीचर इज टीचर. डॉक्टर हो सकता है वो कार्डियो सर्जन हो सकता है वो हमारा डेंटिस्ट हो, डॉक्टर इज डॉक्टर, है ना. तो नाउन जो होता है उसमें कॉमन नाउन आ जाता है, मतलब वो कॉमन नेम है. तो नाउन दैट गिव अ कॉमन नेम टू पर्सन, कॉमन नेम टू प्लेस एंड कॉमन नेम टू थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन. जैसे पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, ट्रेन, बर्ड, एनिमल, सिटी, सारी क्या है, कॉमन नाउन है. क्यों, क्योंकि देखो बुक है, बुक कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जनरल रीडिंग, कोई भी बुक हो सकती है. बुक सबके लिए क्या है, कॉमन एक वर्ड हो गया. पेन, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, कोई भी पेन हो सकता है. रिवर, गंगा, यमुना, गोमती, महानदी, कोई भी रिवर हो सकती है. माउंटेन कोई भी हो सकता है. ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस,
और हमारी जो होती है वो सुपर फास्ट ट्रेन्स कोई भी हो सकती है। बर्ड की अगर हम बात करें, स्पैरो हो गई, पिजन हो गया, क्रो हो गया, कोई भी बर्ड हो सकता है। एनिमल्स में काउ, रैट, कैट, कोई भी हो सकता है। सिटी में पानीपत, करनाल, अम्बाला, कोई भी सिटी हो सकती है ना। तो कोई भी वर्ड, मतलब कॉमन वर्ड डाल दिया गया, तो दीज आर कॉमन नाउन। देखो, गंगा, यमुना, महानदी, गोमती आर द रिवर्स। तो रिवर वर्ड जो है इनके लिए कॉमन नाउन हो गया। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं सबके लिए शेयर कर सकते हैं हम रिवर, लेकिन ये जो गंगा वर्ड है ये प्रॉपर एक रिवर का नाम है। तो ये एक पर्टिकुलर रिवर है, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। यमुना पर्टिकुलर एक रिवर है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। महानदी पर्टिकुलर रिवर, प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। गोमती पर्टिकुलर रिवर है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टिंग्विश हो गया प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच में। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, जैसे लव, हेट, इन सब के बारे में बताते हैं। ऐसे नाउन जिनके नेम्स में हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें सी नहीं कर सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जैसे नाउन नेम ऑफ अ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ फीलिंग। ठीक है, ओनली थिंक को, ओनली फील, बट कैन नॉट टच एंड सी। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें हीट, ब्यूटी, ट्रुथ, लव, एंगर, हाइट, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, लेकिन हीट को हम फील करते हैं। ठीक है, तो सीन को हम जो है वो सीनरी को हम देखते हैं, लेकिन उसकी ब्यूटी को हम फील करते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो हीट है वो हम टच नहीं कर सकते, हम फील करते हैं, हम देख नहीं सकते, हम फील करते हैं। तो हीट वर्ड जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी वर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रुथ, लव, एंगर, हाइट, सारे हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वी टच और सी द हॉट ऑब्जेक्ट, नॉट द हीट। वी कैन थिंक ऑफ अ लव, बट वी कैन नॉट सी एंड टच लव। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होंगे जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कलेक्टिवली सबके बारे में बात हो जाती है। तो कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। जैसे कलेक्टिव नाउन जो होते हैं कॉमन नाउन के अंदर भी बात कर लेते हैं कभी ना कभी, पर हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए इन वर्ड्स की, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि हमें डिस्टिंग्विश हो सके टाइम पे कि कलेक्टिव नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। जैसे अगर हम बात करें आर्मी के बारे में, आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। बंच के बारे में, बंच इज अ कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स। पैक के बारे में, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डॉग्स। फ्लीट के बारे में, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शीप्स एंड कार। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बात कर ली फोर द ऑल द फोर टाइप्स ऑफ आर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, सबके बारे में हमने बात कर ली। अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको इसमें जो है वो पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सेम वेदर दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। आपको डिस्टिंग्विश करना है, जैसे विराट कोहली है, ये विराट कोहली क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है। कैप्टन जो है वो हमारे पास क्या? कॉमन नाउन है। टीम क्या है? ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। लीडर क्या है? कॉमन नाउन है। इस तरह से आप बात कर सकते हो। आप एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करो स्क्रीनशॉट लेके, और आगे इसके जो है वो मैंने आंसर्स भी डाले, तो आप इनके आंसर्स मैच कर सकते हो। अगर आपके अच्छे से आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप एक बार इसे मैच कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहते हैं फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दिस वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन सफिक्स। सफिक्स वर्ड क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं और उनके जो है वो एम्फिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं सफिक्स लगा के, जैसे नेस लगाने हैं, जैसे ग्रेटनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, लेजीनेस, डार्कनेस, ब्लाइंडनेस, स्नूकनेस, टीटी लगाने, रियलिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, एबिलिटी, मोरालिटी। प्रोनंसिएशन हो जाएगी, आप इसकी स्पेलिंग्स ध्यान से करना। ठीक है, एक लास्ट वाले में इंपॉर्टेंट रहता है ग्रो का ग्रोथ, हील हेल्थ, ट्रू ट्रुथ, डीप डेप्थ, डाई डेथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। बाकी तो आप खुद से ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा। और आपके हेल्थ के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी मेंशन किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें भी क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिख के इनके ब्लैंक को फिल करना है। तो डिफर का क्या बना सकते हो? डिफरेंस। सक्सीड का क्या बना सकते हो? सक्सेस। फेल का फेलियर। सिंसियर का सिंसियरिटी। कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंस। एबल का एबिलिटी। इस तरह से इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं वर्ड्स में फिलअप्स भी फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अभी हमने जो कलेक्टिव नाउन फिल किए थे तो उनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। मैं सिर्फ इसे रीड करूंगी, अब जब भी आपको ये वर्ड्स दिखेंगे तो आप समझ आना कि ये कलेक्टिव नाउन है। लेट्स लर्न यूज ऑफ फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। एन आर्मी और बटालियन और रेजिमेंट ऑफ द सोल्जर्स मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एंट ऑफ आर्मी ऑफ एंट। बुके और बंच ऑफ फ्लावर्स। अ ब्रूड ऑफ चिकन और हैन। अ बंच ऑफ की ग्रेप्स फ्लावर बनाना। अ बंच ऑफ स्टिक्स। अ कलोनी ऑफ आंट फ्रॉग्स एंट फ्रॉग्स। तो ये भी क्या हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है। आगे अगर हम बात करें तो क्या कहता है, अ क्लम्प और ग्रुप ऑफ ट्रीज। अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ क्रू और क्राउड और मोव ऑफ पीपल। अ फ्लीट ऑफ शिप कार। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड। अ फ्लोक ऑफ शीप एंड बर्ड। अ गैगल ऑफ गीज। अ हार्ड ऑफ काओ डियर कैटल एलिफेंट। अ लिटल ऑफ पपीज किटन। ऑर्चिड ऑफ फ्रूट ट्रीज है ना। आगे अ पैक ऑफ वॉल्फ डॉग हुंड कार्ड। अ पेयर ऑफ शूज। अ प्राइड ऑफ लायन। अ शोर और स्कूल ऑफ फिश। अ सूट ऑफ रूम। अ स्वान हाइव और क्लस्टर ऑफ बीज। अ स्वान ऑफ फ्लाइज मॉस्किटो। अ टीम ऑफ प्लेयर ऑक्सन हॉर्स। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट ना कलेक्टिव नाउन के अलावा भी जो होता है वो नाउन्स की और भी दो कैटेगराइज किसी किसी बुक में मेंशन होते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने पहले भी पढ़ ली है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच और सी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें लव एंगर ब्रेवरी ओनेस्टी होप ट्रस्ट एजुकेशन नॉलेज, दीज आर द वर्ड्स जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम उन्हें जो है वो मे नॉट देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में तो पहले भी बात कर चुके हैं। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल पहले मटेरियल नाउन के नाम से आता था, अब कंक्रीट नाउन के नाम से भी कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टेट ऑफ समथिंग दैट वी कैन सी, वी समथिंग दैट इज अ फिजिकल फॉर्म जिसको हमें देख सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे कोई पोजिशन ऑक्यूपाई करता हो, कुछ स्पेस लेता हो। जैसे कंक्रीट नाउन में कोई पीपल आ सकता है, अंकल आंटी आर्किटेक्चर ये वर्ड्स आ सकते हैं। कोई एनिमल आ सकता है, कंगारू स्वैन आंट। प्लेस ले सकते हो, हॉस्पिटल मार्केट। थिंग ले सकते हो, वॉच हो गया, ब्रश हो गया, ठीक है सोफा कुछ भी। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर मिल्क ब्लड स्ट्रीम, ये भी क्या है, सब्सटेंसेस के नेम है, इनको हम कंक्रीट नाउन बोल देते हैं। तो बेसिकली मटेरियल नाउन हटा के मॉडर्न इंग्लिश ने एक नया वर्ड डाला है, कंक्रीट नाउन, सिंपल बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाउन को हम और भी दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, वन इज काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसका हम नाउन नंबर करते हैं, बुक बुक्स पेन पेन्स वॉल वॉल्स डॉग डॉग्स, ठीक है वो वाले। और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेज का पेजेस करते हैं, पेपर का पेपर्स नहीं होता है। जो पेपर वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है, पेपर वर्ड अनकाउंटेबल होता है। हम काउंट क्या करते हैं, पेजेस काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता है, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका सिर्फ सिंगुलर प्लूरल भी होता है, दोनों वर्ड्स होते हैं दैट आर काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वॉच मोर कंटेंट फॉर मोर वीडियो कंटेंट फॉर मोर लर्निंग। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। Like, share and subscribe Learning Brides to get more and more useful content. ठीक है, like जरूर करना, इसे ना एक motivation रहता है कि next video भी जल्दी जल्दी बनानी है, बच्चे सुनते हैं बच्चे पढ़ते हैं और कुछ नहीं। Okay बेटे, see you next video. Bye. Thank you.